हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों आज मैं देने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन सा मोटिवेशन जो कि सिर्फ NBE स्टूडेंट्स के लिए। जी हां दोस्तों, NBE स्टूडेंट्स, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटिवेशन से ही अंदर की जो ताकत होती है, एनर्जी होती है ना, वो बाहर आती है और कुछ कर गुजरने की दोस्तों क्षमता मिल जाती है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आज ऐसा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ जो शायद कभी कोई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, बस आप उस एग्जाम्पल का वेट करिए और उस जुनून भरी कहानी का वेट करिए दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होने वाला दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों चार पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन को। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप जिंदगी की उड़ान को बार बार लेकर चलिए। अगर एक बार आप असफल होते हैं, दो बार आप असफल होते, तीन बार होते हैं, लेकिन जब तक आप ये घोंसला ना बना ले दोस्तों, जब तक आप घोंसला ना बना लेना तब तक आपको कुछ भी रुकना नहीं है। घोंसला बनाने का मतलब है आप अपने एम को, जो आपने टारगेट किया है, अगर वहां तक आप नहीं पहुंच पाते तो तिनका तिनका उठाइए, यानी कि बार बार प्रयास करिए दोस्तों। जब तक बार बार आप प्रयास नहीं करेंगे, हार मान जाएंगे औरों की तरह, तो आप जो है पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे। पूर्ण रूप से अलग होने का मतलब जो है आप दोस्तों, आप कंपटीशन में भी बाहर हो जाएंगे और अपने एम को दोस्तों कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एम को पाने के लिए दोस्तों पागलपन होना जरूरी है, जुनून सा अंदर होना जरूरी है। दोस्तों विराट कोहली को आप सभी जानते हैं, जब वो कर्नाटक की तरफ से क्रिकेट खेल रहे थे 16 साल की आयु में, वो नाबाद 40 रन बनाकर जब लौटे तो उन्हें पता चला अचानक कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी है। लेकिन सबको उम्मीद था कि यही सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली की जगह पर कौन आएगा। वो कोहली का पागलपन ही था दोस्तों, पागलपन ही था, जिन्हें आज जिसे आप देख रहे हैं एज ए कैप्टन इंडियन के टीम के रूप में, वो पारी जिंदगी बदल दी। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विराट कोहली की जगह पर कौन बल्लेबाजी करने आएगा, कौन बल्लेबाजी करेगा, लेकिन सुबह बल्ला लेकर कोहली ही आए दोस्तों। और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कुछ कर गुजरना है तो पागलपन और जिद होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिद होना जरूरी है, बगैर जिद के कुछ नहीं होता। अमिताभ बच्चन की 16-17 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन आवाज भी भारी फन था, लेकिन अगर वो उस समय हार जाते दोस्तों ना, उनके अंदर जो जज्बा था ना, अगर वो हार जाते तो जज्बा भी खत्म हो जाता और उनका पागलपन ही दोस्तों खत्म हो जाता है। उन्होंने जब 16-17 फिल्में जो है उनकी फ्लॉप हो चुकी, फिर भी जब हार नहीं माने, पागलपन सा आग आग अंदर से जलने लगी, लेकिन जंजीर फिल्म दोस्तों सुपरहिट हो गई। जी हाँ दोस्तों, जंजीर फिल्म सुपरहिट हो गई और उन्हीं को आज हम दुनिया पूरा देखती है कि हाँ वो अमिताभ बच्चन है। अगर वो पागलपन नहीं रहा होता, 16 मूवी के बाद वो छोड़ दिए होते, तो फिर आज कोई उन्हें नहीं याद करता कि अमिताभ बच्चन है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार को आप सभी जानते हैं ना, उन्होंने एक रेस्टोरेंट में मात्र 1500 पर मंथ में काम किया है। कर पाओगे आप? मात्र 1500 पर मंथ में काम किया था दोस्तों अक्षय कुमार ने, जिस सेलिब्रिटीज को आप याद कर रहे हैं एज हीरो, और वाकई में रियल हीरो में अक्षय कुमार को मानता हूं दोस्तों, क्योंकि वो देश के प्रति जो है समर्पित रहते हैं। अक्षय कुमार ने सिर्फ 1500 रुपये मंथ में काम किया दोस्तों, आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो कहने का मतलब ये है आपके अंदर पागलपन सा जुनून होना चाहिए, आग लगनी चाहिए दोस्तों कि मुझे इस वैकेंसी को, NBE में एक वैकेंसी दोस्तों पा सकते हैं आप, बस पागलपन होना जरूरी है। और पागलपन आएगा दोस्तों कैसे? पागलपन आने के लिए दोस्तों आप सभी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, आप सभी को अपने एम की जरूरत होती है, टारगेट की जरूरत होती है। 20-25 लोग मिलते हैं, कहते रहे यार तू कब से तैयारी कर रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, आप उनके तरफ मत ध्यान दीजिए दोस्तों। उनको आप एक जॉब लेकर दिखाओ, बातों से मत कहो कि मेरा सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं। आप उनको बातों से मत बोलो कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कुछ नहीं। आप बार बार फेल हो जाइए, बार बार फेल हो जाइए, लेकिन एक दिन सक्सेस होकर उन्हें दिखा दीजिए कि मैं यही बोलना चाहता था दोस्तों। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से कुछ होता है। जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे दोस्तों ना, तब तक कोई भी चीज नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते। वो राजा की कहानी आप जानते हैं ना, जो बार बार पराजित होकर गुफा में जाकर बैठ गया था, गुफा में जाकर बैठ गया, कर अब मेरे बस की बात नहीं युद्ध करना, लेकिन जब उसने देखा कि एक
चींटी बार बार चढ़ रही है, या फिर कहीं कहीं मकड़ी का भी एग्जाम्पल दिया गया है, चढ़ रही है बार बार गिर रही है, लेकिन बहुत बार चढ़ने और गिरने के बाद वो अपने आप में सक्सेस हो गई। तो राजा ने सोचा, यार मैं क्या, मैं तो सिर्फ इतने ही बार युद्ध हारा हूं, मैं भी जीत सकता हूं। नए ऊर्जा के साथ वह मैदान में आए और कर हर मैदान फतह और जीत को अपने बस में कर लिए। दोस्तों जीत गए वो राजा जीत गए। बार बार ये मत सोचिए कि मैं असफल क्यों होता हूँ। वहां से आप सीखिए कि हमारे अंदर कमी कौन सी हो रही है कि मैं बार बार असफल हो जा रही हूँ या हो जा रहा हूँ। मांझी जी को कौन नहीं जानता दोस्तों, हथौड़े से तोड़ तोड़ कर रास्ता बना दिए। कितने जो है दृढ़, पागलपन ही वो नहीं है तो क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं पागलपन, कुछ कर पाने की जो है दोस्तों क्षमता। और मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों जिसका एग्जाम्पल कोई नहीं देता है। अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल सब देती है, अच्छी बात है, सभी लोग देते हैं दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया ये तो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन मैं आज के जमाने का एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं जो कि जिन्हें मैं अपना मतलब मान सकता हूं कि मतलब काफी अच्छे, मतलब एज ए टीचर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं दोस्तों यूट्यूब की दुनिया में। जिन्हें मतलब जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, वो एग्जामपुर के विवेक सर को देखे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामपुर से पढ़ाई कर रहे हैं। बस मैं नाम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है आप सभी के अंदर आग लगानी है। विवेक सर, आप सभी को, आप सभी जानते हैं कि पहले वो कहाँ पर जो है क्लास लेते थे ऑनलाइन, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। वो रोए, अगर वो चाहते ना तो उनको बहुत सारे लोग बुला रहे थे, यहाँ मेरे यहाँ आ जाओ, तो वो कुछ नहीं कर पाते। उनके अंदर जुनून सर था दोस्तों, मोमबत्ती जला कर वो पढ़ाए थे, मैंने उस वीडियो को देखा था दोस्तों। और आज उनका नाम इंडिया में कौन नहीं जानता दोस्तों, हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना आज विवेक सर को दोस्तों जानता है कि कितने हार्डवर्क, अभी भी वो कितना हार्डवर्क करते हैं और पहले कितना हार्डवर्क करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जहां तक पहुंचना दोस्तों काफी मुश्किल आता है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है दोस्तों कि वो वहां तक पहुंचे। और आपके अंदर दोस्तों जब तक है जान तो आप जो है पूरे जान को, पूरे जिस्म को, पूरे चीज को लगा दो, दुनिया की सारी चीजों को भूल जाओ, दो तीन दिनों के लिए दोस्तों भूल जाओ और सिर्फ अपने फोकस पर जो है ध्यान केंद्रित करो। चीजें ओनली एम होना चाहिए, ओनली एनबीई सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ओनली एनबीई सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी दुनिया की कोई भी चीज आपके सामने नहीं आनी चाहिए दोस्तों। आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो आपके माता पिता का, आपके पेरेंट्स का चेहरा याद आना चाहिए कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पैसा देकर पढ़ाया है और आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनकी अहम भूमिका रही। उनको याद करिए, अपने फैमिली को याद करिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को याद करिए कि किस सिचुएशन से हमारा फैमिली गुजर रहा दोस्तों। और एग्जाम में बैठकर एकदम पूरा जान लगा दीजिए, जान लगा दो या जाने दो, एग्जाम में बैठने के बाद सिर्फ माता पिता का चेहरा और अंदर से मोटिवेशन और उस क्वेश्चन को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की क्षमता आप सभी को होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आपका रिजल्ट दोस्तों, मैं आपके लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका अच्छा रिजल्ट जाए दोस्तों। और दो तीन वीडियो स्ट्रेटजी का बहुत सारी कल और आज अपलोड होने वाली है, बस आप उन वीडियोज को देखते रहिएगा। किसी भी एंगल से दोस्तों आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप सभी को पता है कि मैंने मॉक टेस्ट भी फ्री में दिया, बहुत सारी चीजें दो PDF वगैरह सब दे दिया। जिन्हें फिर मॉक टेस्ट देना है, कल फिर मॉक टेस्ट करा दूंगा मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास, वो मॉक टेस्ट दोस्तों ज्वाइन कर ले जिन्होंने नहीं दिया है। और PDF जो है मैं बहुत ही जल्द मतलब कल दे दूंगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन का PDF जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK सब रहेगा दोस्तों, कर लीजिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ज्यादा दे रहा हूँ, PDF ही देना, क्या दिक्कत है, दे दूंगा यार। आप सभी ने मुझे इतना ज्यादा यहाँ तक पहुँचाया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो जलन होती है ना मुझे देखने के बाद, वो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। चलो यार, जलने वाले जलते रहेंगे, ठीक है। तो बस दोस्तों वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, और आप सभी को अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी बस अपना सिलेक्शन लेकर मुझे दिखा दीजिए, बस एक सीट लेकर दिखा दीजिए। और कौन कौन चाहता है एक सीट लेना, वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि दोस्तों आपके मोटिवेशन से, लिखिए नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आज कमेंट करना है दोस्तों हर हाल में। अगर आप वाकई में मुझे चाहते जानते तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए दोस्तों। लाइक का जो है वहां पे रखिए कि सर मुझे एक जॉब चाहिए और मैं इसी NBE में सिलेक्शन लेकर आपको दिखाऊंगा दोस्तों। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि हाँ मेरा स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ था और इसका सिलेक्शन हो गया दोस्तों। NBE को लेकर इतना कम समय मिला दोस्तों, मैं क्या बताऊं, नहीं तो मैं और वीडियोज अपलोड करता, फिर भी इतने कम टाइम में आप देखेंगे पूरे YouTube पर NBE में आज स्ट्रेटेजी बताने वाले हजारों लोग हैं। पढ़ाएंगे नहीं, ओनली स्ट्रेटेजी बताएंगे, ये करो वो करो, ये स्किल टेस्ट वो, सिर्फ व्यूज के चक्कर में पढ़ाना नहीं है। 8-10 वीडियो बना दिए हैं, उसके बाद सिर्फ स्ट्रेटेजी बताते हैं
पीडीएफ कॉपी करके भेजते हैं, कुछ भी दोस्तों नहीं है। आज देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स एनबी को लेकर बना रहे हैं दोस्तों, अच्छी बात है, लेकिन यार ऐसा तो मत करो, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दो कि स्किल टेस्ट के बारे में बता रहे हो फिर ये चीज वो चीज, कुछ भी नहीं दोस्तों। आप ओनली अभी स्टडी पर फोकस करिए और कहीं पर भी वीडियो देखिए, देखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ अपने बुक्स को पढ़िए और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप वही करिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो के हम करते हैं, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करो, और हाँ कमेंट करिएगा किसको एनबीई में एक सीट लेना है और आग लगानी है दोस्तों। चलिए एंड करते हैं, थैंक्स फॉर कुल वाचिंग, और शेयर रुकना नहीं चाहिए, जो भी दोस्त मुझसे नया जुड़ा है ना, जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ना कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। चलिए जय हिंद जय भारत।